Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your own YouTube channel, English with Arium sir. We are discussing adjective. Today it is the part 5 of adjective. Let's come with me and discuss further. स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं आज हम ले रहे हैं डी स्टूडेंट एल्डर एल्डेस्ट ओल्डर एंड ओल्डेस्ट डी स्टूडेंट आपने देखा होगा ये जो वर्ड्स होते हैं एल्डर एल्डेस्ट ओल्डर एंड ओल्डेस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज रेगुलर एग्जामिनेशन दोनों में इनको फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए इनको आज क्लियर करना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट ओके थोड़ा इसको इस प्रकार से देखें इधर आप लें पॉजिटिव डिग्री कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री ओके इस टाइप से आपने कर लिया इसको टैबुलेशन में डाल दें टैबुलेशन मेथड में टैबुलेशन हो जाएगा ये रहा डेस्ट ओके डियर स्टूडेंट एक वर्ड होता है जैसे पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है ओल्ड क्या है ओल्ड इसका कॉम्परेटिव जो बनता है डियर स्टूडेंट वो एल्डर बनता है क्या बनता है एल्डर क्या बनता है एल्डर बनता है एंड एल्डेस्ट तो द एल्डेस्ट लिखते हैं सुपरलेटिव है तो एल्डर होगा तो एल्डर के बाद आप टू लगाएंगे ओल्ड का कॉम्परेटिव डिग्री एल्डर एंड एल्डेस्ट ओके या थोड़ा इसको लिख सकते हैं ये व्यक्ति के लिए आता है व्यक्ति के लिए वो भी डियर स्टूडेंट ब्लड रिलेशन होना चाहिए ब्लड रिलेशन का मतलब है एक ही माता पिता की संतान बहन भाइयों के लिए जो यूज होता है एल्डर का यूज जो होता है या एल्डेस्ट का यूज होता है वो व्यक्ति के लिए ब्लड रिलेशन होता है वन मोर डिग्री डियर स्टूडेंट ओल्ड होता है ये व्यक्ति ब्लड रिलेशन को छोड़कर ब्लड रिलेशन को छोड़कर और वस्तु तो क्या डिफरेंस रहा डियर स्टूडेंट ओल्ड का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी केवल होता है तो यहां से नहीं इनके इस ओल्ड की कॉम्परेटिव डिग्री ओल्डर भी होती है दैट मीन्स ओल्ड वर्ड की दो कॉम्परेटिव डिग्री होती है एल्डर एंड ओल्डर और द एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट ओके ओल्डर ओल्डेस्ट ओके एंड एल्डर लेकिन ओल्डर के बाद डियर स्टूडेंट देन का यूज करते हैं और ये व्यक्ति के लिए मतलब ब्लड रिलेशन में इनका यूज होता है और ये आपका व्यक्ति के लिए भी आता है वस्तु के लिए भी आता है व्यक्ति वो जो ब्लड रिलेशन के ना हो सोसाइटी में पाए जाने वाले लोग भाई बंधु उनके लिए इनका यूज होता है कॉम्पिटिशन में केवल यहां पर क्वेश्चन है और इस जगह पर क्वेश्चन है कि एल्डर के बाद टू आता है ओल्डर के बाद देन का यूज होता है डियर स्टूडेंट ओके ये है अब इसमें हम एग्जांपल देखें क्या देखें एग्जांपल्स देखते हैं डियर स्टूडेंट जैसे हमने एग्जांपल देखा सुंदर एंड राम आर रियल ब्रदर्स सुंदर और राम खास भाई हैं सुंदर इज एल्डर अब देन का यूज करें
या टू का यूज करें. सुंदर इज एल्डर देन या टू राम. तो आपको यहां पर यूज करना है एल्डर वर्ड आया है डियर स्टूडेंट तो आप यूज करेंगे टू का. किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा. ओके जैसे हमने सेकंड एग्जांपल लिया राकेश इज ओल्डर देन या टू. राकेश इज ओल्डर देन या टू पिंकू. अब डिस्टेंट यहां ये तो पता नहीं चल रहा है कि राकेश और पिंकू रियल ब्रदर्स हैं. जब नहीं पता चल रहा तो हम रियल मान के नहीं चलेंगे. और वर्ड क्या है? ओल्डर लग रहा है. क्या लग रहा है? ओल्डर. इसका मतलब राकेश एंड पिंकू रियल नहीं है तो हमें किसका यूज करेंगे? देन का. ओल्डर के बाद क्या आता है डियर स्टूडेंट? देन का यूज होता है. किसका यूज होता है? देन का. आप यूज करेंगे सेंटेंस करेक्ट होगा. अब हमने लिया जैसे दिस इज द ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट. दो वर्ड है. दिस इज द ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट टेम्पल ऑफ दिस विलेज. अब हमने देखा दिस इज द ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट टेम्पल ऑफ दिस विलेज. अब डिस्टेंट टेम्पल वस्तु हो गई तो हम एल्डेस्ट का यूज नहीं करेंगे, ओल्डेस्ट का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? ओल्डेस्ट का यूज किया जाएगा. ओके डियर स्टूडेंट एंड नेक्स्ट एग्जांपल टू मोर क्लियर. द चिल्ड्रन मस्ट ओबे. द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स. Their elders and या olders. क्या सही होगा इसमें से? रेस्टोरेंट इसमें से सही होगा elders. क्या होगा? elders सही होगा. क्या होगा? elders सही होगा. यहां रेस्टोरेंट elders का अर्थ हिंदी में elders elders का वृद्ध जन के लिए भी elders का यूज होता है, ओल्डर्स का नहीं होता है. ठीक है, बच्चों को अपने बड़ों का या वृद्ध जनों का की बात माननी चाहिए. द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स. ओके, अब जैसे वन मोर एग्जांपल हम ले सकते हैं फिफ्थ. हिज एल्डेस्ट daughter is Suman. His eldest daughter is Suman. उनकी सबसे बड़ी बेटी सुमन है. तो यहाँ eldest, अब आप लोगों के साथ eldest के आगे दा क्यों नहीं आया? दा जब आता है यदि आपके पजेसिव एडजेक्टिव आ जाते हैं तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं होता. इन्हीं को आर्टिकल माना जाता है. कहीं कहीं इसको वीक आर्टिकल जैसे बोलते हैं. आप ग्रामर में इस बात को समझें कि जब पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो द का यूज नहीं होगा. हिज एल्डेस्ट डॉटर इज सुमन. उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम सुमन है या सबसे बड़ी बेटी सुमन है. ओके डियर स्टूडेंट, अब आप समझ पाए एल्डर एल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट. एल्डर एंड एल्डेस्ट रियल ब्लड रिलेशन व्यक्ति के लिए, ओल्डर व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए. एल्डर के बाद टू का यूज, ओल्डर के बाद देन का यूज. ओके, और ये वस्तु के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी करते हैं. वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर नेक्स्ट टर्म आगे मूव करते हैं. आई होप आपने कर लिया होगा. मॉइस्चर होने की वजह से स्टूडेंट बोर्ड को रफ करने में प्रॉब्लम आ रहा है. हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट सम एडजेक्टिव.
अब एडजेक्टिव पे जाने से पहले हमें जल्दबाजी नहीं है इस बात की कि हम बहुत ही फास्ट तरीके से रूलिंग पर पहुंच जाए, नहीं डियर फ्रेंड, इन वर्ड्स को समझना जरूरी है। यही वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड्स, हम बहुत ही प्यारा वर्ड्स है फार्दर एंड फार्दर, बहुत क्वेश्चन आते हैं फार्दर। फार्दर लिखें, फार्दर एंड फर्दर, ओके। फार्दर एंड फर्दर वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं। आप यहां पर एक बात जान लें, फार फार मींस होता है दूर, और दूर का मतलब है डिस्टेंस है, क्या है ये डिस्टेंस है, तो एक वर्ड इसमें से डिस्टेंस शो करेगा, अगला क्रम शो करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। थोड़ा देखें इसको भी आप कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भी कभी कभी एग्जामिनेशन में अगर ये बात पूछ ली तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसे दूर करें। पॉजिटिव डिग्री एंड कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री डियर स्टूडेंट, ओके। थोड़ा टैबलेशन में देख लें इसको, पॉजिटिव डिग्री एंड कॉम्परेटिव डिग्री, ओके। फार एक पॉजिटिव डिग्री है, फार एक पॉजिटिव डिग्री है जिसका कॉम्परेटिव डिग्री होती है फार्दर, क्या होता है डियर स्टूडेंट, फार्दर होता है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है फार्दर होती है, ओके डियर स्टूडेंट। एंड एक वर्ड होता है एफ ओ आर ई, फॉरी, क्या होता है फॉरी, ओके। इसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है एफ यू आर टी एच आर, फर्दर। फर्दर की अगर पॉजिटिव डिग्री एग्जाम में पूछी जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसकी पॉजिटिव डिग्री आपको बतानी है फोर, एफ ओ आर ई, ओके डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लेते हैं, और इसको कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये है कि फार्दर, जो फार्दर वर्ड है डिनेट टू, यह दूरी डिनोट करता है, ओके। एंड फर्दर, फर्दर क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, किसको, ऑर्डर, क्या है ऑर्डर, जैसे आगे आगे प्रोसीड करना, प्रोसीड करना होता है इसका अंदर, प्रोसीड करना है फर्दर। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन चीज को, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या है। जैसे डोंट मेक, दो वर्ड लगाए हमने एफ यू आर टी, फर्दर एंड फार्दर डिले। अब इसका मतलब क्या, डोंट मेक फर्दर या फार्दर डिले, आप क्या लगाएं, इसका मतलब ये कि दूरी तो नहीं है, दूर से देर मत बनाओ, नहीं आगे से देरी मत करो, फर्दर, तो एफ यू आर टी एच ई आर आएगा, फर्दर नहीं आएगा, डोंट मेक फर्दर डिले, आगे देर मत करो, आगे से देर मत करो, मतलब ऑर्डर में आगे चल के देर मत करो, ओके। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, टू क्लियर मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट। जैसे हम लिखें दिल्ली is a farther या further, Delhi is farther या further from Agra than Mathura, ऐसे बना लो than Mathura। अब dear student, ये कहने का मतलब है कि दिल्ली जो है आगरा से ज्यादा दूर है मथुरा की अपेक्षा, तो आप इसमें दूरी का मतलब है, यहाँ दूरी से मतलब है, फार्दर क्रम के लिए होता है तो फार, एफ आर फार, फार किसके लिए होता है डिस्टेंस, तो फार्दर लगेगा, एफ आर टी एच आर, फार्दर का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, जब ये जा करके ठीक होगा, ओके। जैसे हमने कहा नो, अब यहां लगाओ फार्दर लगाएंगे या फार्दर लगाएं, नो फार्दर एक्शन
taken, no further action can't be taken in this matter. In this ऐसे sentence बनाया कि कोई भी इस मैटर में आगे एक्शन नहीं लिया जा सकता. अब फर्दर दूरी नहीं है, आगे क्रम में, तो ये सब फर्दर सही होगा. एफ यू आर टी एच आर, नो फर्दर एक्शन कांट बी टेकन इन दिस मैटर डियर स्टूडेंट. ओके, ये हमने वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट लिया. वन मोर एग्जाम्पल, इट इज द अब फार्देस्ट वर्ड है, क्या है? फार्देस्ट. ओके, और एक है फर्दर, एफ यू आर टी एच ए फर्दर. इट इज द फार्देस्ट या फर्दर प्लेस फ्रॉम रेलवे स्टेशन. तो यहां 100% दूरी की बात हो रही है, किसकी दूरी? फार, तो ये फार्देस्ट वर्ड आएगा. इट इज द फार्देस्ट प्लेस फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से सबसे दूरी का स्थान है. वीडियो पॉज करें डियर स्टूडेंट और आगे मूव करें. ओके, ये आपने देखा इसमें मेन इंपॉर्टेंट है फर्दर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, एफ ओ आर ई फोर, एंड फार का फार्दर होता है. वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, आई होप आपने कर लिया होगा. आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट. फर्दर एंड फार्दर से बच्चों क्वेश्चन आते हैं काफी. अगर आपने जिस बुक को कंसल्ट करके आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें आप देखेंगे पाएंगे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको इस वर्ड से रिलेटेड मिलेंगे. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम वर्ड्स लेते हैं नियरेस्ट एंड नेक्स्ट. नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, ये वर्ड लिया हमने, नियरेस्ट लिया एंड नेक्स्ट. ओके, इन वर्ड्स को हम समझते हैं, इसको भी हम देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री इसकी क्या होती है एंड कॉम्परेटिव डिग्री. कॉम्परेटिव डिग्री डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं ये स्टूडेंट नियर का जो नियर पॉजिटिव डिग्री है, क्या है डियर स्टूडेंट? नियर पॉजिटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट. हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. ओके, नियर का होता है नियरेस्ट, सुपरलेटिव होता है डियर स्टूडेंट इसका नियरेस्ट होता है. ओके, एंड एक वर्ड है एन आई जी एच, नार. नाई का सुपरलेटिव डियर स्टूडेंट नेक्स्ट होता है. अब नेक्स्ट इज अ सुपरलेटिव वर्ड है डियर स्टूडेंट, क्या ये सुपरलेटिव वर्ड है? नेक्स्ट, नियरेस्ट डियर स्टूडेंट डिस्टेंस शो करता है, क्या ये डिस्टेंस रिलेटेड है? दिस इज ऑर्डर, इक्रम से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? इक्रम से है. ऑर्डर मतलब आगामी, क्या हिंदी बोलेंगे? आगामी, क्या है? आगामी, ऑर्डर के क्रम में इसको बोलते हैं. तो इसका पॉजिटिव वर्ड होता है नाई, क्या होता है? नाई होता है. जैसे यदि हमने एग्जांपल रेलवे स्टेशन इज द नियरेस्ट या नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन इज द नियरेस्ट या नेक्स्ट टू माई हाउस. तो ये डिस्टेंस रिलेटेड है नियरेस्ट, मतलब रेलवे स्टेशन मेरे घर के नजदीक है, मेरे घर के नजदीक है. आई विल मीट यू, आई विल
I will meet you at the next your nearest. I will meet you at the next your nearest crossing. आगामी क्रॉसिंग पर आपको मिलूंगा क्रम से रिलेटेड है नेक्स्ट का हम यूज करेंगे डियर स्टूडेंट. सी इज सिटिंग अब आप लिखें यहां पर नियरेस्ट. सी इज सिटिंग नियरेस्ट या नेक्स्ट टू हर फादर. यहाँ पर रहेगा next. She is sitting next to her father. Dear student, बस आप इसमें इतना समझें कि near related है distance से और next related है क्रम से और next का positive नहीं होता है. Video post करें, copy करें. I hope आपने कर लिया होगा dear student. नेक्स्ट वर्ड की ओर हम मूव करेंगे और समझते हैं आगे एडजेक्टिव के रूप में आने वाले वर्ड्स को. दिस फ्रेंडिक वर्ड लेते हैं हम later और later. दो वर्ड्स अक्सर आपसे पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट. ओके, इनको भी हम डिग्री में देखते हैं जैसे पॉजिटिव डिग्री के रूप में देखें इनको या डियर स्टूडेंट कॉम्परेटिव डिग्री के रूप में देखें. ओके, या हम डियर स्टूडेंट इनको सुपरलेटिव डिग्री के रूप में देखें. सुपरलेटिव डिग्री के रूप में देखें. ओके, तो वर्ड होता है डियर स्टूडेंट एक लेट वर्ड है. इसको टेबुलेशन में डाल देंगे. सुपरलेटिव कॉम्परेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. ओके, एक वर्ड है लेट, एलईटी लेट. ये डियर स्टूडेंट टाइम से रिलेटेड है. किससे है? टाइम. लेट मींस देरी से होना, टाइम को रिलेट करता है. ओके, इसका डियर स्टूडेंट कॉम्परेटिव होता है लेटर, एल ए टी आर लेटर, और सुपरलेटिव होता है लेटेस्ट. क्या होता है? लेटेस्ट. ये टाइम से रिलेटेड होते हैं डियर स्टूडेंट. ओके, एंड एक वर्ड है, एक और है लेट. इसको लेट को पोजिशन के लिए भी माना जाता है. तो डियर स्टूडेंट पॉजिटिव डिग्री में नहीं पता चलता है कि पोजीशन है कि टाइम है, दोनों ही बताता है, दोनों का इंग्लिश लेट होता है. लेकिन इसका कॉम्परेटिव डियर स्टूडेंट एल ए टी टी आर होता है, लेटर होता है कॉम्परेटिव. एंड सुपरलेटिव इसका डियर स्टूडेंट लास्ट होता है. क्या होता है? लास्ट होता है. सुपरलेटिव इज लास्ट. तो लेट का लेट, लेटेस्ट, एंड एल ए टी टी आर L-A-S-T, last is superlative. This is position, this is time. Dear student, इनको आपको यहीं पर बस इतना आपको देखना है कि late, later, L-A-T-E, time है, तो ये time को relate करेगा. Example के through समझेंगे dear student. Example हमने लिया, first example हम लेते हैं, जैसे he came, वह आया, he came, L-A-T-T-R या L-A-T-R, later, later than he, okay, time related ले रहे हैं, तो इसमें L-A-T-R आएगा, he came later than he, okay, या हमने कहा, I will come later. तो टाइम से रिलेटेड हो गया डियर स्टूडेंट कि मैं देरी से आऊंगा. आई विल कम लेटर. ओके, ये हमने लिया बिटवीन
राम एंड श्याम, बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर एल ए टी टी आर या एल ए टी आर, बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज मोर मोर इंटेलिजेंट, फोर इंटेलिजेंट। अब इसमें क्रम की बात होगी, राम और श्याम में बाद वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो लेट नहीं ये वाला, एल ए टी टी आर लेटर का यूज किया जाएगा बच्चों। ओके, या हमने कहा दिस इज द, दिस इज द, दिस इज द, दिस इज द एल ए टी ई एस टी लेटेस्ट, दिस इज द लेटेस्ट बुक। आपने ये टाइम रिलेटेड मांगे, दिस इज द लेटेस्ट बुक हो जाएगी। ओके, टाइम से रिलेटेड है और क्रम से, दिस इज द लास्ट बुक भी हो सकता है, लेकिन वो क्रम को शो करेगा, टाइम को शो नहीं करेगा। ओके, या आपने कहा, आप ऐसे नहीं कह सकते दिस इज द लेटेस्ट या लास्ट, दिस इज द लेटेस्ट या लास्ट गर्ल इन द क्लास। ओके, अब यहां पर लास्ट लगाएंगे, दिस इज द लास्ट गर्ल इन द क्लास, ये कोई भी इंटरव्यू वगैरह चला ये क्लास में लास्ट है, ये लेटेस्ट नहीं कहेंगे। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी, लेटेस्ट का तो टाइम से रिलेटेड है, तो आपने समझा कि लेटर किससे होता है, एल ए टी से पहचानेंगे कि ये टाइम रिलेटेड है, और सेकंड वन इज पोजीशन रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, पोजीशन रिलेटेड है डियर स्टूडेंट। ओके, वीडियो पॉज करें एंड कॉपी करें, हम आगे मूव करते हैं, आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड की ओर डियर स्टूडेंट मूव करते हैं। अब लेते हैं नाम डियर स्टूडेंट फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, कैसे कंफ्यूजन दूर होगा। इससे डियर स्टूडेंट आना, जब एक ही सेंटेंस में, डियर स्टूडेंट जब एक ही सेंटेंस में दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक ही सेंटेंस में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो, वस्तु की चर्चा हो तो पहली नाउन के लिए फर्स्ट तथा दूसरी या अंतिम, दो हुई तो दूसरी, दूसरे देखे तो अंतिम, दूसरी या अंतिम नाउन के लिए लास्ट का यूज करते हैं, डियर स्टूडेंट। ओके, फॉर एग्जांपल, हम लें डियर स्टूडेंट, हम इसका एग्जांपल लेना चाहेंगे, अमन शिवा
एंड देव, अमन शिवा एंड देव आर गुड स्टूडेंट्स, आर गुड स्टूडेंट्स, अमन शिवा एंड देव आर गुड स्टूडेंट, but the first is better, but the first is better than the last. तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब है अमन सेवा और देव अच्छे विद्यार्थी हैं, अमन बेहतर है किससे, देव से, तो अमन द फर्स्ट इज बेटर देन द लास्ट, यहाँ द लास्ट का मतलब देव है और द फर्स्ट का मतलब डियर स्टूडेंट यहाँ पर अमन है, ओके. एंड सेकंड ऐसे भी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी किताब में पहले वाले के लिए बोला जा रहा है द फर्स्ट, क्या बोला जा रहा है डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट बोला जा रहा है, ओके डियर स्टूडेंट. ये रहे आपके कुछ वर्ड्स, रिमेन वर्ड्स विल बी डिस्कस इन फर्दर वीडियो, लेंथ इज प्रॉपर है डियर स्टूडेंट इस वीडियो की, ओके. यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि आप बेनिफिट हो रहे हैं और आपको इससे कुछ लाभ मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब यू आर न्यू ऑन दिस चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.